प्रयोग करते हैं जैसे कि हम रोटी खा रहे हैं दही खा रहे हैं दही के अंदर भी सूक्ष्मजीवी हैं भटूरे खाते हैं छोले भटूरे किसको नहीं पसंद तो उस भटूरे के अंदर हम दही डालते हैं सूक्ष्मजीवी वहां भी होते हैं मतलब हर कहीं सूक्ष्मजीवी होते ही होते हैं तो ये वाला चैप्टर आज हम करने वाले हैं राइट right? और एक बार देख लीजिए तो पदार्थों में औद्योगिकी में, में, में जैव नियंत्रक में और कारक के रूप में और जैव उर्वरक के रूप में मतलब ये हमारे पास एनसीआर का आपका बुक मैंने रखा हुआ है बट यहाँ पे सिलेबस में लेके चल रही हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे राइट right? तो यही चीज हम करने वाले हैं और दूसरा चौदह अंक का ये जो आपका एक यूनिट है इकाई है ये चौदह नंबर की है जहाँ पे सिर्फ दो आपके अध्याय है एक मानव रोग और एक आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी सात का ये सात का ये सात नंबर आज हम पक्के करने वाले हैं तो चलो शुरू कर लेते हैं देखो अगर मैं बात करू सूक्ष्म जीवों का तो हम बिल्कुल अनगणित अन जगह पे अनगिनित जगह पे अपने सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं अब अगर बात करो सूक्ष्म जीव क्या होता है सूक्ष्म मतलब छोटा जीव मतलब जो जीवित हो यानी बहुत छोटे छोटे जीवित प्राणी जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं वो हमारे सूक्ष्म जीवी होते हैं अब जैसे कि घरेलू पदार्थों के अंदर अगर मैं बात करती हूं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है घरेलू पदार्थों के अंदर भाई सबसे पहले हमारे पास आते हैं आपके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको हम एक और नाम से जानते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये एक ऐसा बैक्टीरिया है ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है देखो हम क्या करते हैं दूध गर्म करते हैं है ना उसके अंदर थोड़ा सा दही डालते हैं फिर ढक के रख देते हैं फिर सुबह देखते हैं, दही बन गया है क्या हुआ वहां पे जो हमने वो दही डाला ना उस दही के अंदर पहले से ही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था बेटा लोग और उसने क्या किया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने या फिर उसी का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने लैक्टिक एसिड बनाया उस लैक्टिक एसिड से दूध के अंदर जो प्रोटीन था केसिन वो जम गया और उसे बन गया दही, ठीक है तो हमारा खाद्य पदार्थ में क्या है खाद्य पदार्थ के अंदर दूध से दही के उत्पादन में हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज करते हैं जहां पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अमल उत्पन्न करता है और दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित कर देगा और आंशिक रूप से पचा देता है साथ में आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ दही की दूध के अंदर भी वाइटमिन होता है बट दही के अंदर वाइटमिन बढ़ जाता है यानी कि आपका वाइटमिन बी ट्वेल्व काफी दफा पूछा जाता है बी ट्वेल्व की गुणवत्ता बढ़ जाती है दही की पोषकता दूध के कंपैरेटिवली दूध के तुलना में बहुत ज्यादा होती है ठीक है ये चीज याद रखेंगे साथ में जब हम दही खाते हैं तो हमारे बड़ी आंत के अंदर जो अंध नाल होता है उस अंध नाल के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो कोई बीमारी ना करें इसीलिए उस बीमारियों से बचाने के लिए भी दही वाला बैक्टीरिया बड़ा अच्छा होता है हमारे लिए देखो कितना फायदा कर रहा है इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम जनरली डोसा हो गया इडली हो गया यहाँ पे भी इनका प्रयोग करते हैं यहाँ पे भी हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमको पता है डोसा और इडली इनके अंदर भी हम बैक्टीरिया डालते हैं अच्छा यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेगा यहाँ पे क्या करेगा देखो बैक्टीरिया क्या करता है ना ऑक्सीजन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा देखो एक क्या होता है ना कि हमारा जो होता है डोसा वो फूला फूला सा हो जाता है हम देखते हैं ना घरों में कि मम्मी आटा लगाती है रखती है फिर थोड़े टाइम के बाद फूला हुआ मिल जाता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं है ना जैसे केक होता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं वो किस लिए होते हैं जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे आटे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड से वो हमारा जो भी खाद्य पदार्थ है वो आपका स्पंजी सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाता है नरम नरम सा हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि आटे को फूली उभरी शक्ल कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के उत्पादन के कारण होती है ये चीज आप सभी याद रखेंगे अब जैसे कि हम एक चीज का ध्यान रखें जो बेकरज होते हैं है ना दुकानदार होते हैं केक वाले होते हैं पेस्ट्री वाले होते हैं वो ना एक बेकर जो है एक ईस्ट का प्रयोग करते हैं ईस्ट ईस्ट जो एक कवक होती है जिसका नाम है सेक्रोमाइसी सर्वाइसी इसका प्रयोग करते हैं और ये भी यही काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करती है ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो आपके जो दक्षिणी भारत है दक्षिणी भारत के अंदर एक पेय बनाया जाता है पीने का पेय है ना इसका नाम होता है टोडी टोडी एक पारंपरिक पेय है इसके अंदर क्या करते हैं इसके अंदर भी हम वहां पे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं ताड़ वृक्ष के तने को हम किणवित करते हैं बैक्टीरिया से सूक्ष्म जीवों से इसके अलावा सोयाबीन है मछली है या बांस परो है इन सबको भी हम भोजन में जब यूज करते हैं तो आपका कैसे यूज करते हैं किणवित करके और किणवन करने के लिए बैक्टीरिया चाहिए होता है जीवाणु चाहिए होता है अब इसके अलावा और क्या हो सकता है इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारे पास पनीर होता है बेटा क्या होता है पनीर भी होता है पनीर को बनाने के लिए उसके निर्माण के लिए भी हमको सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता पड़ती है अब देखो आपने ना एक पनीर देखा होगा आपने किस सबने टोम जेरी देखा होगा टोम जेरी एंड जेरी है ना तो कार्टून एंड जेरी देखा होगा वो जो एंड जेरी है उसके चीज में वो एक चीज रखता है ना ऐसा सा अगर आपको ध्यान है और उसके अंदर छेद होते हैं ऐसे है ना ऐसा सा हम एक चीज देखते हैं छेद वाला पीला पीला सा है ना देखते हैं बिल्कुल देखते हैं भैया बिल्कुल देखते हैं ठीक है तो ये वाला जो चीज़ होता है इसको हम चीज़ बोलते हैं पनीर ही है पनीर वाला ही चीज़ है एक ही चीज़ है ठीक है ये वाला एक अलग तरीके का पनीर है फिर एक ऐसा ही अलग सा पनीर होता है जो नीला नीला सा होता है ठीक है उसको, उसको हम ब्लू चीज़ के नाम से भी जानते हैं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वाला चीज़ जो हम टॉम एंड जियारी में देखते हैं इसको तो स्विश चीज़ बोलते हैं स्विस चीज़ और ये बनता किससे है देखो तो आपके अलग अलग तरीके के पनीर अलग अलग जीवाणु से बनवाए जाते हैं रीजन मान लो मेरे को बहुत ही मतलब स्वाद में ऐसा नरम जीप आए तो पिंगल जाए ऐसे वाला पनीर बना चीज चाहिए तो मैं किसको यूज करूंगी और बड़ा सॉफ्ट सा मतलब नरम नरम सा बिल्कुल चिकना, बिल्कुल चिकना मलाई के जैसा मुझे पनीर चाहिए चीज चाहिए तो मैं वहां पर बैक्टीरिया का यूज करूंगी प्रोपेनाई बैक्टीरिया शर्मनाई है ना ये ऐसे वाला चीज बना देगा एंड जेरी वाला अब मुझे क्या चाहिए खारा खारा सा चीज चाहिए बेटा कैसा कैसा सा चीज चाहिए खारा खारा सा जिसका सावर सा नमकीन सा स्वाद हो तो मैं वहां पर कवक का इस्तेमाल कर लूंगी ठीक है एक कवक का इस्तेमाल कर लूंगी और उससे एक नए प्रकार का मैं बनाऊंगी पनीर और उस पनीर को हम कहते हैं चीज चीज क्या बोलते हैं अब यहाँ पे जो छेद होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन से ही होते हैं हर कहीं ये चीज आप याद रखेंगे अब बात आती है औद्योगिक उत्पादन में औद्योगिक कहा, कहा होता है देखो औद्योग दो तरीके के हैं एक तो पीने वाले उद्योग एक खाने वाले दवाई और दारू दवाई दवाई दारू दारू दवाई कुछ होते ना दा, दारू दवाई तो दारू और दवाई दो अलग अलग शब्द कर लो इनको और यहाँ पे भी हमको सूक्ष्म जीव चाहिए अच्छा किस किस को पता है कि भैया जब हम शराब का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों का लेते हैं अंगूर हो गया सेब हो गया काजू हो गया या कोई गेहूँ हो गया मक्का हो गया बाजरा हो गया उसको किणवित करते हैं किणवित करने के बाद उसको गलाने सड़ाने के बाद उसका हम क्या करते हैं एक तरीके से बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसको है ना तो जो किणवड़ कर रहे हैं वहां पे जिनको गला सड़ा रहे हैं वहां पे बैक्टीरिया ही होते हैं बैक्टीरिया ही गलाते सड़ाते हैं बैक्टीरिया ही है जो आपका अवाय स्व करके इथेनॉल का निर्माण करेगी भूल गए ना ये चीज ग्यारहवीं क्लास वाली देखो तो आपका औद्योगिक प्रयोग में फर्मेंटर और किण्वक जो होते हैं हमारे इसके रूप में हम यूज करते सूक्ष्म जीवों को पहला तो किण्वित पेय की अगर मैं बात करूं किण्वित पेय आपका क्या होता है जैसे कि आपकी बियर होगी विस्की ब्रांडी रम है ना ये सारी चीज़ें आपकी ज़्यादातर हम ईस्ट से बनाते हैं सैक्रोमाइसी सर्वाइसी से ही जो कि ब्रेड बनाने के लिए भी काम करती है और ये क्या करेगी ये हमारे फलों के रस से इथेनॉल उत्पन्न कर देगी फलों के रस से ग्लूकोज लेके और क्या बना देगी इथेनॉल बना देगी ठीक है अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो विभिन्न प्रकार के जो आपके अल्कोलीय पेय होते हैं वो आपके अलग अलग संसाधनों से और कच्चे पदार्थ पे भी आधारित होते हैं निर्भर करते हैं जैसे कि कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर हम आसवन करते हैं आसवन आसवन क्या होता है आसवन होता है कि हमने ना अब आपको मैं यहाँ पे समझाती हूँ मैं आपको समझा देती हूँ आसवन क्या होता है आसवन आपने पढ़ा होगा गारंटी है कि आपने पढ़ा होगा आसवन बट आपको ध्यान नहीं होगा अभी एक मिनट का मुझे समय दीजिए कुछ ऐसे पदार्थ होते जो आसवन से बनते कुछ ऐसे जो आसवन से नहीं बनते जैसे कि आपने एक चीज देखी होगी हमारे पास ना एक ऐसा फ्लास्क है थीके? ये ऊपर से बंद है ठीक है ये यहाँ से हीट कर रहे हैं और यहाँ से ये निकल गया हमने यहाँ पे आग लगा रखी है यहाँ पे उबल रही है भाप बन रही है भाप यहाँ से निकल गई ये आसवन होता है ये आसवन होता है कुछ ऐसी हमारे पास होती हैं जो आसवन से बनाते हैं अब आसवन से बनेगी कि नहीं बनेगी ये उसके कच्चे पदार्थ पे डिपेंड करता है कच्चा पदार्थ अगर उसका क्या है अगर उसके पास वहाँ पे ठीक है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी जैसे कि थोड़ा पक लेते हैं इसको मैं हाँ जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसकी विस्की ब्रांडी और रम ये हमारी आसवन से बनती हैं आसवन से यानी डिस्टिलेशन इंग्लिश में कहते हैं और आपकी वाइन और बियर वो बिना आसवन के बनती हैं ठीक है थीके? अब आ जाता है प्रतिजैविक प्रतिजैविक क्या होता है जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जीवन के विरुद्ध प्रति जो है है ना जैसे मान लो हमको कोई बीमारी हो गई है हम डॉक्टर के पास जाते है। है हैं डॉक्टर कुछ देता एंटीबायोटिक को हम कैसे ये आपका आज से नहीं बीसवीं शताब्दी से है और जो सबसे बड़ी खोज है हमको ये पता है कि आपका अगर बात करू यहाँ पे एंटी मतलब तो एंटीबायोटिक <coughs> जो है अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने किसने अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने सबसे पहले जो आपकी एंटीबायोटिक प्रतिजैविक ढूंढी थी उसका नाम है पेंसिलिन और ये कहाँ से निकाली थी एक कवक थी जिसका नाम है पेंसिलम नोटेटम उधर से इन्होंने पेंसिलिन निकाली थी ठीक है ये चीज हमको पता है अच्छे से यह चीज मैंने अभी अभी आपको बताई है तो देखो यहाँ पे लिखा भी है सबसे पहली एंटीबायोटिक थी पेंसिलिन ठीक है अगर मैं यहाँ पे बात करूं अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो फ्लै फ्लैमिंग ने इसको निर्माण तो कर दिया था पर इसका जो प्रयोग था सही प्रयोग इसका अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में यूज़ किया फ्लैमिंग चेन और फ्लोरे ने 1945 के अंदर फिर इसके लिए उनको नोबल पुरस्कार भी मिल गया था पेंसिलिन के अलावा बहुत सारे और भी प्रतिजैविक होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं जैसे कि प्लेग हो गया काली खांसी डाइफीरिया लेप्रोसी इन रोगों के उपचार के लिए ठीक है अब इसके अलावा और कहाँ यूज़ हो सकते हैं आपका और यूज़ हो सकता है रसायन के लिए एंजाइम में या फिर आप का, कोई जैव सक्रिय अणु है वहां पे भी हम इनका क्या कर सकते हैं भाई प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि किस तरीके की बात यहाँ पे की गई है मान लो कि हम बात कर ले रसायन की हमारे पास कितने ही रसायन होते बेटा जैसे कि लैक्टिक एसिड है अरे ये क्या हुआ जैसे कि लैक्टिक एसिड है है ना लैक्टिक अमल है लैक्टिक अमल की अगर मैं बात करती हूँ तो लैक्टिक अमल के लिए हमारे पास लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जीवाणु है जहाँ से हम लैक्टिक एसिड बना लेंगे ऐसे ही हमारे पास एसेटिक एसिड हम बनाना है एसेटिक अमल मेरे को बनाना है तो मैं एक जीवाणु का प्रयोग करूंगी एस एसो एस का ठीक है मान लो मेरे को एक चीज निकाल तो निकालनी है तो इस्तेमाल करूंगी या फिर मुझे तो क्लो, ब्यू, ब्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है उदाहरण के लिए और ये आपके पेपर में पूछ लिया जाता है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है इथेनॉल के लिए आपका इष्ट है कोई दिक्कत नहीं है अब बात करूं एंजाइम के लिए एंजाइम पता ही एंजाइम क्या होता है ना देखो डिटर्जेंट देखा साबुन साबुन अच्छा आपने ना अपने कपड़े पे रोटी खा रहे थे घी टपक गया रोटी का यहाँ लग गया घी तो वसा है वसा को कैसे साफ करोगे वसा को हटाने के लिए वसा का तोड़ने वाला यानी लाइपेज एंजाइम चाहिए तो हम लाइपेज एंजाइम का यूज करते हैं हमारे डिटर्जेंट्स के अंदर जो हमारे धुलाई के कपड़ों का मार्जक अपमार्जक होता है वहां पे लाइपेज का क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं ताकि तेल के धब्बे हट जाएं ठीक है इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपने देखा होगा कि जो बॉटल के अंदर है ना जैसे रियल है फ्रूटी है ये कुछ जूस है वहां पे उसको देखना कोई आपको तरमरासा नहीं मिलेगा तरमरे का मतलब है, कुछ वहां पे तैरता हुआ मिलेगा नहीं छोटा छोटा है ना जिसको हम कहते हैं फाइबर फाइबर नहीं मिलेंगे क्यों क्योंकि वो फाइबर हट गए हैं बट वहीं पे जो हमारे भैया है ना पड़ोस वाले भैया जिसके जो सामने से हम जहाँ पे डेली जूस पी के आते हैं उसके वो जब जूस निकालता है तो बहुत सारे छोटे 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 आपके फाइबर्स होते हैं पल के फाइबर्स अब ये बॉटल के अंदर साफ कैसे किए जाए कि नीचे जमे ना कोई दिक्कत ना हो है ना तो इसके लिए आपका क्योंकि प्रोटीन के बने होते हैं प्रोटीन को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए प्रोटीज तो यहाँ पे आपका प्रोटीज आ जाता है ठीक है तो प्रोटीज आपका एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपका पैक्टिनेस और प्रोटीन ऐसे हैं जो बोतल वाले रस को अधिक स्वच्छ और साफ करने के लिए काम करते हैं तो ये तो हो गया आपका जै, जैव सक्रिय रसायन और एंजाइम अब बारी आती है जैव सक्रिय अणु की अब जैव सक्रिय अणु क्या है जरा सा इसको समझिए आप इसको समझोगे तो बहुत बेहतरी रहेगी जैव सक्रिय अणु एक ऐसा अणु जो जैविक रूप से सक्रिय हो अब मान लो कोई ऐसा हमारे पास जीवाणु है जो कि एक ऐसा जीवाणु जो कि हमारे शरीर में क्या करता है जो कि हमारे शरीर के अंदर हमारी प्रतिरक्षा जो हमारी इम्यूनिटी जो हमारी प्रतिरक्षी क्षमता है उसको दबा दे कुछ टाइम के लिए क्योंकि वो जरूरी है जैसे कि किसी के यकृत का प्रत्यारोपण हमारे अंदर हुआ है अब हमारे शरीर को पता नहीं कि लीवर अपना नहीं है यकृत अपना नहीं है तो अपनाएगा कैसे वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा अब ताकि हमारा शरीर उस यकृत को अपना ले कोई उसके खिलाफ चीज ना, ना बने एंटीबॉडी बॉडी ना बने इसलिए हम यूज करते हैं प्रतिजैविक जैविक अणु का जैसे कि हमारे पास होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु बैक्टीरिया जहां पे हम एक चीज निकालते हैं जहां से हम एक चीज निकालते हैं और वो किस लिए काम आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टो बैक्टीरिया इससे हम जो उत्पन्न करते हैं इसको हम यूज करते हैं आपका भैया क्लॉथ को हटाने में थक्के को हटाने में कई बार हमारी रक्त वाहिकाओं में थक्के फंस जाते हैं थक्के जम जाते हैं तो उस थक्के का सफोटन करने के लिए तोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टो जीवाणु का अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है इसका तो हम कर लेंगे पर उसके अलावा जैसे उसके अलावा हमारे पास एक जैव सक्रिय अणु होता है साइक्लोस्पोरिन साइक्लोस्पोरिन ए जब अंग प्रतिरोपण के अंदर प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है और इसका उत्पादन कहाँ से होता है भैया ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम नामक कवक से किया जाता है और वहीं से मोनो मोनोस्कस और परप्यूएस इष्ट से उत्पन्न स्टैटिन का स्टैटिन जो कि आपका एक होता है रक्त कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए उसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है ठीक है आई होप ये आपको समझ में आया होगा यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं आप सीधे सीधे आंसर कर दोगे उसके बाद आता है वाहि, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव ये बड़ा अच्छा है ये बड़ा अच्छा है देखो अगर मैं बात करूं वाहित मल और उपचार वाहित मल कौन सा होता है जो हमारे घरों से निकल के आया है जो हमारे घरों से निकल के आया है व्यर्थ जल जो नगरों में व्यर्थ जल होता है जो हमारे घरों से निकल के आया है जिसको हम सीवेज भी कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं वाहित मल अब इस वाहित मल के अंदर ना बहुत सारा कार्बनिक पदार्थ होता है बहुत सारा सूक्ष्म जीव भी होता है जो उस कार्बनिक पदार्थ के ऊपर जिंदा होता है उसके ऊपर खा होता है ठीक है और इससे कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि रोग जनक भी होते हैं ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं अब देखो ऐसी बात है इसको ऐसे कैसे तो प्राकृतिक स्रोतों में हम छोड़ नहीं सकते जैसे नदी ना नाले झरने हो गए सीधा तो विसर्जित कर नहीं सकते पहले इसका उपचार किया जाएगा इसको ठीक किया जाएगा थोड़ा सुधारा जाएगा है ना इसकी हानिकारक चीजें हटाई जाएंगी तभी हम उस प्राकृतिक चीजों में डालेंगे ताकि आपका प्रदूषण मुक्त रहे चीजें प्राकृतिक संसाधनों के अंदर आपका प्रदूषण ना हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं है, इस वाहित मल का प्रदूषण से उपचार करते हैं और इस उपचार के अंदर आपके पास दो चरण होते हैं एक प्राथमिक चरण होता है आपका द्वितीय चरण होता है क्या होता है एक प्राथमिक चरण होता है एक आपके पास द्वितीयक चरण होता है ठीक है प्राथमिक चरण के अंदर दो चीजें करते हैं पहले तो आपका निशंदन करते हैं फिल्टरेशन जैसे कि मम्मी आटा छानती है ना ऊपर मोटी चीजें रह जाती हैं चाय छानते हैं ऊपर चाय चाय के पत्ती रह जाती है नीचे से चाय निकल जाती है वो छानना पहले हम क्या करेंगे जितना भी आपका मल आया है उसको हम छान लेंगे जो ऊपर तैरती हुई चीजें हैं उनको हटा देंगे जिसको हम कहते हैं निशंदन जिसको हम क्या कहते हैं निशंदन अब उसके अंदर कुछ मिट्टी कंकड़ भी होंगे फिर हम उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे जैसे पानी के अंदर आप मिट्टी डाल दो उसको छेड़ो नहीं तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो ऐसे ही हम यहाँ पे अब अब की बार अवसादन करेंगे। अवसादन अवसादन करेंगे हो जाएगा अब अवसादन होने के बाद हमारा जो भी ये जितना भी हमारा शीत बालुकाशम है यानी जो हमारे मृदा के छोटे छोटे पैबल है वो नीचे बैठ जाएंगे और उसको हम निष्काशित कर देंगे वो जो ठोस जो नीचे बैठ गए हैं जो हमारा कूड़ा हमने निकाल दिया है सारा बाहर कर दिया है प्राथमिक उपचार में उसको कहेंगे प्राथमिक आपंक क्या कहेंगे प्राथमिक आपंक और अभी अभी जो हमारा अभी जो हमारा बच गया है जो हमारा बहिश्रावी है बहिश्रावी है उसको हम आगे निसांदन के लिए भेज देंगे यानी अभी उसको आगे हम भेज देंगे ठीक है अब आगे क्या होगा आपका द्वितीय उपचार होगा क्या होगा द्वितीय उपचार द्वितीय उपचार में क्या होगा देखो इसको मैं आपको एक छोटी सी भाषा में समझा देती हूं आता आपको समझ में आ जाए ठीक है कोई प्रॉब्लम आपको हो ना देखो मैंने कहा कि आपका सीविच इसको हमने दो चरणों में किया पहला प्राथमिक दूसरा चरण दूसरा बेटा द्वितीय ठीक है प्राथमिक चरण की अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक चरण के अंदर दो चीजें होती हैं पहली तो निशंदन ठीक है जो तैरने वाली चीजें होती हैं दूसरा अवसादन

ऑर्गेनिक को खाओ मुक्त करो जीवाणु यही तो करेंगे उस कार्बनिक पदार्थ को खा लेंगे है ना और वही हमको कराना है वो हम करा देंगे यहाँ पे उसके बाद चलो ये तो इतना है ना इसको हम दोबारा लेके आएंगे पहले वाला पढ़ लो ठीक है हाँ जी आइए अब क्या करेंगे जो प्राथमिक से बहिश्राव बन के आया है उसको हम कुछ वायवीय टैंकों में टैंकों में जहाँ पे हम हवा भर रहे होंगे कि हवा दो हवा दो अच्छे से ताकि हवा मिलती रहे ऑक्सीजन मिलता रहे ऑक्सीजन मिलेगी तो जीवाणु काम करेगा जीवाणु ऑर्गेनिक पदार्थ को खाएगा ठीक है यहाँ पे हम क्या करेंगे वायव्य टैंकों में गुजारते हैं और वायव्य टैंकों के अंदर जब हम गुजारते हैं ना जब यहाँ पे हम ये गुजारते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लाभदायक वायवीय सूक्ष्म जीवों की प्रबल सशक्त वृद्धि होती है जिसको हम बोलते हैं उर्वर्णन क्या बोलते हैं उसको उन् बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई उण वर्क बोलते हैं चलिए अब यहाँ पे ये जो सूक्ष्म जीव है ये जितना भी कार्बनिक पदार्थ होगा हम हमारे बहिश्रावी में उसको खा लेंगे उसकी खपत कर लेंगे पर इसके लिए उनको चाहिए होता है बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि मान लो एक बैक्टीरिया है उसको कोई कार्बनिक पदार्थ खाना है तो उसको खाने के लिए उसको ऑक्सीजन भी चाहिए तो अगर मान लो ज्यादा कार्बनिक पदार्थ है तो ज्यादा ऑक्सीजन लगेगी कम कार्बनिक पदार्थ है तो कम ऑक्सीजन लगेगी और यही होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ठीक है तो ये बीओडी जो है इसकी मात्रा जब तक कम ना हो जाए कम ना हो जाने का मतलब जबकि कार्बनिक की अमाउंट कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम ना हो जाए तब तक हम यहाँ पे इनको ऑक्सीकृत कर देते हैं ठीक है जब हमारी पीओडी घट जाती है तो हम इस जल को जो भी बचा हुआ जल है जो हम जहाँ पे उस अब श्राव जल को आ, उसके अंदर हमने जो वायव्य जीवाणु डाले हैं जो कार्बनिक पदार्थ को खा रहे हैं अब उन बैक्टीरिया को उन जीवाणुओं को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि कल को वो हमारे खेतों में जाएंगे हमारे खेतों को ही खा जाएंगे हमारी फसल को खा जाएंगे तो ऐसे कैसे छोड़ भी नहीं सकते अब हम क्या करेंगे उसको हम एक दूसरे टैंक में लेके जाएंगे जहाँ पे बैक्टीरिया को ही खाने वाला एक बैक्टीरिया है बट वो बैक्टीरिया एनॉर्बिक है ठीक है कैसे हैं है यानी कि बिना ऑक्सीजन वाले हैं तो अब हम उसको क्या करेंगे अभी इन वाले पानी को एक काम कर देंगे कि अब इसको अरे भाई अब इसको हम ऑक्सीजन के उदगरण के उदगरण के दर का माप करके हम उसको बाद में आखिरी में आखिरी में एक आखिरी जगह से भेजेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं भैया चलो जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं आवाव्य आपंक समाचित्र ठीक है यानी एनोर्बिक स्लज डाइजेस्टर यहाँ पे हम भेज देंगे और यहाँ पे जब हम भेजेंगे ना तो यहाँ पे कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि वहाँ पे पहले जीवाणु थे ना जो हमारे उन्वरक थे उनको भी खा जाएगा जो जो कवक थी जो बैक्टीरिया था उन बैक्टीरिया को भी खा जाएगा और वहां पे उस पानी के अंदर ना तो कोई बैक्टीरिया है अभी ना कोई ऑर्गेनिक पदार्थ है और उसके अंदर अब हम क्या करेंगे वहां से उसके बाद हम उसको जहाँ पे भी हमको छोड़ना है वहां पर छोड़ देंगे पर जो ये हमारा अवायव्य आपंक सपाचिंत्र होता है यहां पे हमारे कुछ गैसेस का निर्माण होता है जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड इनकी भी उत्पत्ति होती है और इनको हम कहते हैं बायोगैस क्या बोलते हैं बायोगैस ठीक है तो ये हमारा था सारा का सारा भैया अब चलो आपको मैं समझा देती हूँ दोबारा से तो पहला क्या था प्राथमिक चरण जहाँ पे हमने पहले ऊपर की तैरती हुई चीजें हटाई यानी निशंदन किया फिर जो उसके अंदर मिट्टी थी उसको हटाया जो कि अवसाधन था ठीक है अब हमने क्या किया वाईवी वाइव्य जो आपका एक टैंक था जहाँ पे हम हवा दे रहे थे और कुछ वहां पे ऐसे जीवाणु थे जो कि वायु ऑक्सीजन का प्रयोग करके हमारे कार्बनिक पदार्थ को खा रहे थे उसका हमने प्रयोग किया यहाँ पे सारा कार्बनिक पदार्थ खिला दिया

ठीक है अब हमारे पास आता है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव ये बड़ा अच्छा है पूछो ये अच्छा क्या है देखो हम कहाँ हर जगह कहीं बात करते हैं इन चीजों की है ना देखो हमारे पौधों के अंदर ना हमारे पौधों के अंदर सेलुलोज होता है क्या होता है बेटा सेलुलोज होता है और उस सेलुलोज को ना उस सेलुलोज को हम आ, वो नहीं कर सकते हम पाचित नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम नहीं है बट जो हमारे जानवर होते हैं भैंस गाय होता है उनके जो आंतड़ियाँ होती हैं या बोल लो उनका जो स्टमक होता है यानी अमाशा होता है वहाँ पे रूमिनोकोकस नाम के मिथेनोजन होते हैं बैक्टीरियाज होते हैं मैथानो बैक्टीरिया उनको हम बोलते हैं क्योंकि वो एक ऐसी कर, कर, कंडीशंस यानी कि ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जो कि बड़ी ही हार्श होती है ठीके? ये उसको क्या कर देते हैं बदल देते हैं किसके अंदर सैलोस को पाचित कर देते हैं और वहां पे फिर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिथेन गैस का निर्माण भी करते हैं इसीलिए गोबर में से बास आती है ठीक है चलो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारे पास कुछ Uh, होते हैं जो कि हमारे सामान्य जीवाणु मैथीरियम होते हैं ये गाढ़े के कीचड़ में पाए जाते हैं मल उपचार में भी प्रयोग इनका किया जाता है साथ में पशुओं के रूमन यानी प्रथम अमाशय के अंदर भी पाए जाते हैं जिनका नाम है रूमिनो कोकस जो सेलुलोज पदार्थ के अंदर अः उसको डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोजिक पदार्थ को और ये जो हमारे होते हैं ये बड़ी ही भूमिका अहम निभाते हैं पशु के अंदर पोषण के लिए ठीक है अब यहां पे अगर मैं बात करूं, तो इसी का प्रयोग हम कर सकते हैं किसके अंदर गोबर गैस बनाने के लिए कैसे हम एक वो लेंगे क्या बोलते हैं उसको संयंत्र का प्रारूप बायोगैस ये काफी बार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में तो ध्यान देंगे इसके ऊपर देखो होगा क्या हम गोबर लेंगे जो भी ऐसी चीजें होंगी उसको डालेंगे पानी बनाएंगे स्लरी बनाएंगे यहां पे डाल देंगे ठीक है यहाँ से ही यहाँ आएगा अब यहाँ पे हमारे पास गैस होल्डर सब कुछ है डाइजेस्टर है यहाँ पे ये यह। यहाँ पे ना बहुत सारा मिथेनोजन बैक्टीरिया होगा वो बहुत सारी गैस बनाएगा उस कार्बनिक पदार्थ को डाइजेस्ट करेगा पाचित करेगा और यहाँ पे जो गैस बनेगी वो बनेगी मीथेन यानी सी एच फोर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है ये हमारी कैसी गैस है बायोगैस है इसको हम इस पाइप से बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से जो बचा हुआ ज्यादा हो गया यहाँ से बाहर निकल जाएगा स्लज और यही हमारी होती है बायोगैस ये कई बार पूछा जाता है आसान है कल की क्लास में भी मैंने कराया था ये चलिए आप इसको पढ़ जरूर लीजिएगा एक बार खुद से मैं आपको एक रिवीजन करा रही हूं ठीक है ताकि आप पास तो कम से कम हो जाए हमारे पास आता है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवी पर उससे पहले हमको एक चीज कर लेनी है यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे घरेलू उत्पाद हो गई औद्योगिक हो गया है वाहित मल हो गया है ऊर्जा उत्पादन हो गया है ठीक है जैव नियंत्रित रह गए हैं और जैव उर्वरक ये आखिरी है हमारा अब बार ठीक है ये आखिरी है अभी ठीक है जी अब देखो जैव नियंत्रित क्या होते हैं मतलब मान लो मेरे को कुछ आ, मेरी कृषि करनी है है ना मेरे को क्या करना है कृषि करनी है कृषि के अंदर बहुत सारे कीट हैं हैं बहुत सारी समस्याएं तो मेरे को कीटनाशक का या हमको पीड़क नाशक का प्रयोग करना पड़ता है पर उससे हमारे पर्यावरण के ऊपर हमारी मृदा के ऊपर भूमिगत जल के ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही विषैले होते हैं विष भरे होते हैं प्रदूषित हो जाता है सब कुछ अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण करूंगी यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो पौधों को खाते हैं कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो दूसरे कीड़े को खा जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या हम कार्निवरस मांसाहारी कीड़े भी होते हैं कुछ आपके शाकाहारी होते हैं कुछ मांसाहारी तो अगर मान लो वहां पे शाकाहारी कीड़े हैं जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम वहां पे मांसाहारी कीड़े छोड़ देंगे क्योंकि मांसाहारी है हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं है जो कीड़े वहाँ पे हैं उनको खा जाएगा वो ठीक है यही हमारा है क्या पीड़क और रोगों का जैव नियंत्रण हम यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कृषि करते हैं और यहाँ पे यही चीज जैव विविधता ही इस्तेमाल होती है जैव विविधता ही इस्तेमाल होती है यहाँ पे हम किसी भी तरीके का कोई भी कीटनाशक या कुछ भी ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं हम यहाँ पे बस एक परंपरागत फार्मिंग प्रैक्टिस जहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे जहाँ पे हम जो हानि प्र, हानिप्रद कीट हैं उन कीटों को बाहर निकालेंगे या खत्म करेंगे ऐसा प्रयोग करके जिससे हमारी फसलों पे कोई भी नुकसानदा चीज ना उन एक उन्मूलन होता है आपस में इनकी एक संयोजन होता है जिसको हम बोलते हैं फूड चेन खाद्य श्रृंखला वो इनके बीच में बनी हुई होती है उसी को फायदा उठाएंगे जो मैंने आपको अभी भी समझाया था ठीक है हाँ जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ कैसे जैसे कि अगर मैं बात कर लूं, जैसे कि मान लो हमारे खेतों के अंदर बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं अब आपको ये पता है जो नर मच्छर होता है वो प्लांट के रस आपके पादप के रस के ऊपर निर्भर करता है तो मैं क्या करूंगी अगर वहां पे बहुत ज्यादा दीमक या मच्छर हो रहे हैं तो वहां पे जो आपने देखा फैल पास वाले लाल और काली धारी वाले जो आपके बीटल्स होते हैं उसका प्रयोग करूंगी व्याध पतंग यानी कि आपके ड्रैगन फ्लाई का इस्तेमाल करूंगी उनको छोड़ दूंगी वहां पे और वो आपके उन मच्छरों को खा लेंगे इसी के अलावा आपने बीटी बीटी कॉटन बैसिलस थोरॅिनस बीटी यानी आपका एक जीवित है बैक्टीरिया है उसका प्रयोग करके हमने कुछ ऐसा किया कि जो कीड़ा है वो मर जाएगा बट रसायन

ठीक है सीधी सी बात है यहाँ पे चलो जी अब हमारे पास कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जैसे कि बैक्यूलो वायरस एक ऐसा एक रोगजनक है जो कीटो और संधि पादो और थ्रोपोर्ट्स पर हमला करता है है ना अधिकांश बैक्यूलो वायरस जो होते हैं वो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की वजह से भी होते हैं ये आपके न्यूसीलो पॉलीहाइड्रोल वायरस होते हैं ठीक है मतलब इनका स्पेसिफाइड होता है कि भैया ये वाला वायरस इसी के लिए काम करेगा ये वाले कीट पे ये वाला वायरस करेगा ऐसा नहीं होता एक ही वायरस है वो हर किसी चीज़ को नष्ट कर रहा है ठीक है जैसे कि हमारा Uh, अगर बात करूँ यहाँ पे तो स्तनधारी पादप पक्षी मछली इनके ऊपर कोई इनका प्रभाव नहीं होता दुष्प्रभाव नहीं होता इनके लिए लाभप्रद ही होता है और ऐसे ही लाभप्रद कीटों का हम संरक्षण करते हैं ऐसा ही इनका क्या करते हैं संरक्षण करते हैं और इसीलिए आपका एक समकलित पी, समकलित पीड़क प्रबंधन कार्यक्रम भी बनाया गया है ताकि ये सारी चीजें ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले अब आता है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं ठीक है जैसे कि मैं बात करूँ राइजोबियम की है ना आपकी कॉर्लॉइड रूट्स की माइकोराइजा की इनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या होता है जो हमारी पेड़ होता है ना जो हमारा पेड़ होता है पेड़ की जड़ों के अंदर आपके कुछ या तो कवक या फिर जीवाणु आ जाते हैं बैठ जाते हैं स्थापित हो जाते हैं और वो क्या तो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे फोस्फोरस का करेंगे कार्बन का करेंगे पौधों को जिसमें फायदा रहता है ठीक है एक मिनट दीजिएगा जैसे कि उर्वरकों के अंदर जैसे जीवाणु कवक साइनोबैक्टीरिया, ये हमारे लैग्योमिन पादपों की जड़ों में स्थित होते हैं जहां पे इन ग्रंथियों के अंदर आपका राइजोबियम यानी राइजोबियम एक सहजीवी संबंध होता है ये बनता है जहां पे जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है ठीक है और इसके प्रयोग से इससे आपके जो पौधा है उस पौधे को एक बढ़िया आपकी वृद्धि मिलती है ऐसे ही एक और जीवाणु आपका आता है या बैटर, ये भी सही ऐसा ही कुछ कार्य करते हैं इसके अलावा कवक कवक के कवक भी पौधों के अंदर रहती है सहजीवी संबंधता में जैसे कि माइकोराइजा यहाँ पे आपके जितने भी ग्लोमस जीनस वाले हैं वो सारे वाले यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं ग्लोमस जीन्स वाले अः कवक जो कि फोस्फोरस का अवशोषण करते हैं फॉस्फोरस का अवशोषण करते हैं ठीक है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके अलावा हमारा जो साइनोबैक्टीरिया है वो स्वपोषित सूक्ष्म जीवों के अंदर जो जलीय है या स्थलीय है वहाँ पे विस्तृत रूप में पाया जाता है और अगर इसकी बात करूँ तो ये वायुमंडली नाइट्रोजन को स्थिरकृत करता है एग्जाम्पल के लिए एनाबीना भी, भी हो सकता है नोस्टो ऑसिलेटेरिया ये सारे आपके साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं हरित शवाल इसको हरित शैवाल भी हम बोलते हैं ठीक है और ये हमारा ख़त्म हो गया है ये अध्याय और आई थिंक यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ गए हो हम क्या बातें करना चाह रहे थे क्या बातें हमने की है और ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अभी के लिए इतना ही हैव अ नाइस आन थैंक यू सो मच गुड बाय